गैंगरेप पीड़िता के कार हादसे का मामला अब गहराता ही जा रहा है। इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया है कि ट्रक और पीड़िता की कार की टक्कर आमने सामने से हुई। ट्रक के ड्राइवर, मालिक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक बांदा से रात लगभग 1 बजे मोरंग लेकर रायबरेली के लिए निकला था। सुबह लगभग 10 बजे ट्रक ड्राइवर ने रायबरेली में मोरंग पलटी और फिर वहां से पेमेंट लेकर वापस फतेहपुर जा रहा था। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी और जिस रोड पर हादसा हुआ उस पर कोई डिवाइडर नहीं बना हुआ था। बारिश के कारण ट्रक चालक को कार दिखाई नहीं दी और दोनों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि ट्रक की स्पीड काफी तेज थी, वहीं कार धीमी रफ्तार से चल रही थी। यही नहीं, मोड़ होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार धीमी नहीं की। साथ ही चश्मदीदों का कहना है कि टक्कर के बाद भी ट्रक ने कार को घसीटा था। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सच्चाई का पता लग सकेगा। एडीजी ने बताया कि इस घटना के पीछे साजिश का आरोप लगा है, इसलिए ट्रक मालिक, क्लीनर और ड्राइवर की सारी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। पुलिस बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति की कॉल डिटेल्स निकाल रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ट्रक ड्राइवर, मालिक या क्लीनर का उनसे कोई संबंध तो नहीं है। आपको बता दें कि रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलकर वापस लौट रही उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की कार और ट्रक में टक्कर हो गई थी। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और उसके वकील बुरी तरह घायल है। न्यूज डेस्क।